जेवर से निकल के रात हमने बिताई थी मथुरा में, और अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, भगवान कृष्ण की सबसे पसंदीदा जगह वृंदावन। वृंदावन में आकर जो प्रेम की अनुभूति होती है, खासकर प्रेम मंदिर को देखकर, इसके आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस जेसीबी के सफर में आगे देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अब हम आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहे हैं और एक ऐसे इंसान से मिला रहे हैं जो कभी ऑपरेटर हुआ करता था, लेकिन आज उसके पास ना एक से ज्यादा जेसीबी है, जो आपको ये बताएगी कि क्यों जेसीबी को कहते हैं भारत का भरोसा। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है वेद प्रकाश जी हमारे साथ। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई तरक्की क्या होती है। तो पहला सवाल वेद प्रकाश जी आपसे, जेसीबी के साथ आपका सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे आप यहाँ आए, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने 2005 में मशीन चलाना सीखा था, उसके बाद 2012 में 6 मशीन खुद की बनाई। कमाते हैं उसी में लगाते रहते हैं, अपना परिवार चल रहा है, और भी परिवार चल रहे हैं जेसीबी। और भी परिवार मतलब यानी 6 मशीन है, मतलब 6 परिवार आप चला रहे होंगे। पहली जेसीबी मशीन खरीदने में कितनी परेशानी आई आपको? कोई दिक्कत नहीं आई सर, एक जेसीबी खरीदी, बैक लोडर, एक एक्सीवेटर खरीदा है 2023 में खरीदी है। सर्विस कैसी है जेसीबी की? सर्विस अच्छी है, फोन करने के बाद 2-3 घंटे बाद आदमी आ जाता है, यानी कोई दिन का काम रुका नहीं आज तक। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मशीन है जेसीबी का। तो सुना आपने क्यों लोग कहते हैं जेसीबी को भारत का भरोसा। यही वजह है कि हम गांव में दूर दराज के इलाकों में आए हैं, आपको हर उस इंसान की कहानी सुना रहे हैं जिसकी कहानी न सिर्फ आपको सुनने में अच्छी लगेगी बल्कि आपको बहुत प्रेरणा देगी। तो ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए कहीं और चलते हैं। वेद प्रकाश जी का जो सफर था वो हमने सुन लिया, अब किसी और की कहानी सुनते हैं।